सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में तब्दील बस चंद लोग ही कर सकते हैं। ड्रीम्स आर द वंस दैट डोंट लेट यू स्लीप अंटिल यू मेक देम योर रियलिटी। एंड द बेस्ट पार्ट इज द जर्नी वेयर यू मीट पीपल हू शेयर द सेम पैशन एंड देन यू फाइंड अ बॉन्ड ब्रूइंग व्हिच रिमेन्स इवन इफ यू आर फार अवे समवेयर इन द स्टार्स। हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव योर होस्ट फॉर टुडे, welcoming you all to the tribute event of SSR with Collective Win. In today's episode of Tribute to SSR, we have amongst us the very talented actor who has predominantly worked in Bollywood. He is popularly known as Jamna Das J.D. Virani in one of the most successful soaps of Indian television, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. From Khalnayak to Devdas, from Kaipoche to Moksh to Maya, he has spelled his aura on the screen. He is none other than Mr. Muni Jha. Welcome you, sir. We are extremely delighted to have you today. Thank you, Gaurav. Very good evening to our viewers. And thank you. Thank you very much. So, sir, the very basic and the first question that is, how are you, sir? How are you holding up in this tough time of COVID? With the grace of God, though we all suffered COVID, we were all positive in family and home quarantine we did and survived. We are all healthy, fine. Thank you for your wishes. Sure, sir. We love to see you on the screen and we really pray so that you remain healthy and we can always see you and cherish your acting on the screen. So, thank you. Sir, in today's segment, we have a few questions from your fans, from everyone around us who wanted to ask these questions from you. They're so eager to get these answers. So, shall we start, sir? Please go ahead. जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मेरे पास फैक्ट है, मैं आपके सामने पेश करूंगा. We are really eager to hear that, sir. Sir, the first question that comes from the viewers is that from Khalnayak to Kaipoche, a remarkable career as a TV star. You had many moments in your acting career till date. Can you please share with us any one moment of disappointment and a moment of happiness that you'd like to cherish forever in your life? Disappointment पहले होती थी, अभी आज भी हो रही है कि जैसे एक वेब सीरीज मैंने 3 महीने से किसी से कमिट कर रखी थी और अभी इतने साल काम करने के बाद लोग अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं, दोस्त बन जाते हैं कलीग में से, तो कोई फॉर्मेलिटी भी हम नहीं सोचते. लेकिन जस्ट शूट के 3 दिन पहले मुझे कहा गया कि सॉरी यू आर रिप्लेस. तो अभी मुझे उस किस्म की बातों से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती. मैं सोचता हूँ कि जरूर आगे कुछ और भी अच्छा होगा, इसीलिए मुझे रिप्लेस किया होगा. और मैं ये इंडस्ट्री में सर्वाइव ज्यादातर इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं ज्यादातर अपॉइंट होने के बजाय डिसअपॉइंट ज्यादा करने के लिए कोशिश की गई है. मतलब मुझे रिप्लेस किया गया या कुछ हो जाता है और मैं प्रोजेक्ट में नहीं हूँ, मैं ड्रामा में से मुझे बाहर निकाल दिया है, सीरियल में रिप्लेस कर दिया, ऐसा भी हुआ है. बट देर इज नो रीजन फॉर डिसअपॉइंटमेंट एनी मोर. और ये कोविड के टाइम ने तो और भी ज्यादा सिखा दिया है कि आप सांसें ले रहे हो तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है, आप ऐश करो. और खुशी की बात यह है कि कभी सोचा नहीं था ये बनते बनते बन गया है कि मैं एक्टर बना हूं और अभी भी कोशिश कर रहा हूं. जो भी जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, लोगों के सामने पेश करने को मिलता है. तो व्हेन आई स्टार्टेड थिएटर विद शफी इनामदार, आई नेवर न्यू दैट वन डे आई विल बी आल्सो शूटिंग फॉर बॉलीवुड एंड Now the trend is of web series, which I am really fortunate to be part of. तो खलनायक के वक्त ये जो हादसा है मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा. It was day one in Filmistan studio at Goregaon. और पूरी कास्ट थी, सुभाष घई जी, उनकी मेरे ख्याल से मैंने सुना कि जब पहला दिन होता है तो वो शिरडी साई बाबा के दर्शन करके स्क्रिप्ट वहां पर उनके चरणों में रख के आते हैं सेट पे. तो हम सब राह देख रहे थे, कॉस्ट्यूम मेकअप सब तैयार, सेट पूरा रेडी. और संजय दत्त जी का जेल का सीन था जिसमें जैकी जी का मैं असिस्टेंट बना हूँ फिल्म में. और
बाकी कुछ आर्टिस्ट थे, लेकिन टू आवर सरप्राइज उस दिन वहां पर प्रेम दीवाने फिल्म का भी चल रहा था और ऋषि जी की भी एक फिल्म चल रही थी, जेपी दत्ता की कोई थी, तो धरती पुत्र मेरे ख्याल से। तो सबका एक्साइटमेंट था कि भाई साहब की नई फिल्म और पहला दिन है, तो वो पूरा स्टूडियो, माधुरी जी, पूजा भट्ट जी सब वहां पर आके, अशोक घई वगैरह भी थे, पूरा स्टूडियो भरा हुआ था। और उस बीच में जो आर्टिस्ट को संजय दत्त की जो सीक्वेंस थी जिसमें उनके उनसे सवालात किए जाते हैं जेल में, तो वो आर्टिस्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा था, तो भाई साहब ने बहुत सरकास्टिकली कहा कि भाई देखो ये हमारे थिएटर कितने साल किया आपने, तो उन्होंने कहा मैंने 20 साल थिएटर किया है। बोला 20 साल थिएटर और ये दो लाइन है और कोई थिएटर वाला? तो जैकी जी से मेरी बस 2-4 मिनट पहले ही बात हुई थी कि मैं थिएटर कर रहा हूँ, एंड ही रिमेम्बर्ड परेश रावल एंड ऑल एनी, बस वी वर चैटिंग। तो उन्होंने कहा अरे बाबू जी ये है ना मुनि, मुनि गो, अच्छा अरे भाई इसको चश्मा पहनाओ। और मुझे जो कभी कहा नहीं गया था, एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई हैड टू हैव अ सीन विथ संजय दत्त, and I will never forget. I was so happy for the day, and I thank to Ghai Saab also. I said, give me more and more such opportunity. I'll be thankful and obliged to you. This was one such thing. So, like hearing these things, these moments from your mouth itself, that we have, this was the initial phase. I'm getting goosebumps. Oh my God! Like. Someday or other, we dream of something like this would turn up from our life, and we turn something like you are today. So. और संजू बाबा की तो एक ऐसी इमेज थी, और वहां जो खलनायक के रूप में वो एक जेल के कैदी के आउटफिट में थे, तो वाकई मुझे डर लग रहा था कि यार ये खलनायक मैं जाके पूछूंगा तो खड़ा होके मुझे डर ना ले। बट अब सुभाष सर के एक टैक्टिस काम कर गए कि सर स्क्रिप्ट उन्होंने सीडी बाबा के चरणों में चढ़ाया और मूवी वाज अ सुपर हिट, सुपर डुपर हिट। गाने भी बाप रे क्या बात है, जहां देखो वहां भूल, आज तक हम सुनते हैं सर। यस वेरी ट्रू। सो वेरी रिलेटेड क्वेश्चन टू द फर्स्ट एक्सपीरियंस दैट यू शेयर्ड सर, like as an artist you had the opportunity to work with stars like Saif Ali Khan, Sanjay Dutt and many more big names added up to the list, so is there a certain character trait that you have observed that makes a person a superstar, someone different from the crowd? To my great fortune, I have literally seen someone turning from no one to a star, and सिर्फ आपका काम, आपके नसीब, वो दो चीजें हैं। मुझे नहीं लगता कि जैसे सुना है कि काका हमारे राजेश खन्ना जी स्ट्रगलिंग डेज में भी इंपोर्टेड कार लेके घूमते थे, तो अगर आज का कोई स्ट्रगलर सोचेगा कि यार मैं इंपोर्टेड कार में घूमूंगा तो राजेश खन्ना हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मंदिर के बाजू में रहने से भगवान मिल जाएंगे ऐसा सोच के आप घर लोगे तो कोई चमत्कार नहीं होगा, या हॉस्पिटल के सामने कोई दर्दी डर के रहेगा कि यार मैं कुछ हो गया तो मैं तुरंत चल के भी जा सकता हूँ डॉक्टर के पास तो बच जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। आपको मरना है तो आप कहीं पर भी मरोगे, और जीना है तो कैसे भी हाल में जियोगे। लेकिन मैं जब शुरुआत के दिनों में सिर्फ सोचता रहता था, कुछ काम नहीं करता था, तो हॉलीडे इन जुहू पर जो होटल है वहां की हेल्थ क्लब में मेंबर नसीब से हुआ, काफी रिजनेबल हुआ करता था। मैं भी उस वक्त मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया, तो वहां काफी हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले आते थे, तो एक लड़का आया और उसने वेरी फ्रेंकली, हम लोग सब स्पोर्ट्स वेयर पहनते थे, लेकिन वो लड़का आता था और मैं हर रोज उसको देख के सोचता था कि यार ये किस किस्म का यार मेंबर है, स्पोर्ट्स वेयर भी नहीं पहनता। तो उसने टॉवल निकाला और अंडरवेयर में उसने ऐसे राउंड लिया, तो हम दोनों ही थे सिर्फ पूरे जिम में, तो मैं पूल साइड देख रहा था और मेरी नजर पड़ी तो ये बंदा बहुत बढ़िया स्टेप्स कर रहा था, तो मैं इम्प्रेस हो गया। मैंने कहा यार मैं इसको ऐसे देख के
इरिटेट होता हूँ, लेकिन ये तो भाई कुछ कमाल है। तो मैंने जाके उससे कहा, हाय आप कौन हो? तो मैंने कहा आप क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे ऊपर से नीचे तक देखा, मतलब रिस्पेक्टफुली देखा, लेकिन मुझे लगा अरे कोई है मेरे जैसा यहाँ पर, वो भी ये भी फिल्म स्टार बनना चाहते हैं। तो उन्होंने तब नाम बताया जो मैंने शायद याद भी नहीं रखा। फिर प्रोसेस जब बढ़ता गया, दैट यंग मैन द ग्रेट डांसर वॉज नन अदर नो वन एल्स बट गोविंदा और चीची ओह वॉज देयर। चीची हाँ के मामा आनंद हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वो एक्सरसाइज कम और बातें और स्टीम सौना नहाना गपशप करने उसके लिए ही आते थे आनंद मामा। तो फिर सबसे पहले मैंने चीची हमारे गोविंदा जी को देखा। एक टाइटन की उन्होंने सबसे पहले ऐड की थी। तो मैंने कहा अरे यार ये लड़का मेरी हेल्थ क्लब में है, वो है। और फिर देखा कि लव 86 उनकी फिल्म आई, फिर तन बदन आई, फिर तो भाई साहब हाथ में ही नहीं आए। फिर मिले एक दो बार, लेकिन ये मैंने एक स्टार बनते हुए देखा है। लेकिन अभी कोई ऐसे सोचेगा कि मैं भी स्पोर्ट्स वेयर की बगैर जाके जिम में काम करूंगा तो मैं गोविंदा बन जाऊंगा, तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये करने से स्टार बनते हैं, अपना काम और अपना नसीब। सो आफ्टर दैट इंसिडेंट, लाइक व्हेन गोविंदा वाज अ स्टार एंड एवरीथिंग, यू सॉ हिम ऑन द स्क्रीन. सो आपने कोई कोशिश किया जब आपसे मुलाकात हुई उनसे, तो आपने बताया कि हम मिले थे एक बार हेल्थ क्लब में. डू यू रिमेम्बर यू हाँ आर रनिंग विदाउट अ स्पोर्ट्स यस वेयर? यस यस मैं नसीब से एक, मैंने बाद में जिम जाना नहीं होता था क्योंकि उन्होंने सीधी 40,000 मेंबरशिप कर दी जो मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैं अपना जुहू बीच पे दौड़ता था, यहाँ उस वक्त ट्रैफिक इतनी नहीं होती थी तो मैं अंधेरी से जुहू बीच तक जाता था। फिर मैंने एक सीरियल प्रोड्यूस की अनकही करके, जिसमें रीमा जी थे, पल्लवी जोशी, अनंग देसाई, अच्छे अच्छे एक्टर थे सब। मैंने भी छोटा रोल किया था। तो उसमें एक फाइट सीन में परवेज फाइट मास्टर थे, उनके साथ एक मुत्तु स्वामी करके आया जो मुझे ट्रेनिंग देने आता था। फिर उसने कहा मुनि जी मैं 11 बजे के बाद पहले आऊंगा या बाद में, क्योंकि 11 बजे के बाद मैं चीची जी को जिम घर घर पे करवाने जाता हूँ। तो मैंने कहा यार चीची तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तो फिर उन्होंने एक दिन कहा चलो हम वासु बगनानी जी की ऑफिस में जाते हैं, और वहां नई फिल्म हो रही है। तो डेविड धवन जी थे और चीची वॉज ऑल्सो देयर। फिर चीची को सब याद आया कि चीची ने कहा अरे हम लोग बहुत मस्ती करते थे और जिम में बहुत टाइम बिताते थे। और एक बार हम लोग फिर जो मेरे ख्याल से वो लातूर वगैरह कुछ केस हुआ, तो फंड रेजिंग का एक राउंड था जो शिवसेना ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उसके लिए उस वक्त मैं, क्योंकि मैं काफी काम कर चुका था और जाना पहचाना नाम हो चुका था, और उसके पहले एक बहुत सुपरहिट सीरियल हुई सोनी की एक महलो सपनों का, तो उसमें भी माणिक ब्लाइंड का मैंने रोल किया था। तो थोड़ा बहुत लोग मुझे जानने लगे थे। तो हमारे राज ठाकरे आए थे वहां पर फ्लैग ऑफ करने के लिए रैली को, तो वहां हमारे चीची मिल गए, साथ में ट्रक में थे हम सब। सो दैट वाज, उसके बाद ये इतना एक दो बार मिलना हुआ बस। आर यू देयर? यस सर. या तो सर इसी से एक क्वेश्चन बहुत मेरे दिमाग में आ रहा था कि आफ्टर डूइंग स्टार्टिंग में आपने मूवीज वगैरह की, फिर आपने सीरियल्स प्रोड्यूस करे, सीरियल्स करे, हाउ डिड यू गेट द चांस टू गेट इनटू, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. मैं एक ड्रामा कर रहा था प्रोड्यूस, जो स्टेप मॉम हॉलीवुड की फिल्म है उस पे आधारित था। और मेरे दोस्त जो लिख रहे थे मेरा ड्रामा, जिसका नाम था मने भिंजवे तू, ऐसा गुजराती टाइटल था। और उसके रिहर्सल के दौरान, जो शाम को हम भवंस कॉलेज अंधेरी में रिहर्सल में मिलते थे, तो विपुल मेहता जो मेरा राइटर था और राजेश जोशी जो मेरा डायरेक्टर था, तो वो दोनों ने मुझे कहा कि मुनि
कल क्या कर रहे हो? तो मैं उस वक्त गुजराती सीरियल कर रहा था जी के लिए, मड पे। तो उन्होंने कहा जो भी हो आप डायरेक्टर को बोल के टाइम निकाल के आ जाओ बालाजी हाउस में, एक सीरियल बन रही है जो हम लोग लिख रहे हैं, राजेश जोशी एंड विपुल मेहता, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया रोल सोचा है, तो आप ऑडिशन दे के जाना। तो मैं मड पे, मैंने मेरे गुजराती प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कहा कि प्लीज मुझे, मैं जाके आ जाऊंगा ऑटो से, लेकिन ये मौका मुझे गवाना नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे दोस्तों ने खास कुछ कहा है। तो और मैं गया वहां पर, तो बालाजी हाउस जो अभी है उसकी फ्लोरिंग भी नहीं हुई थी, मिट्टी मिट्टी थी वहां पर, और कम से कम 200-250 लोग थे वहां ऑडिशन देने के लिए, और कुछ मेरे दोस्त भी थे, तो सबको मिला हेलो हाय करके। और मैंने यही जेडी का ही कैरेक्टर था वो दे के आया, और थोड़े दिन के बाद मोनिशा करके उनकी, शोभा कपूर जी की जो मेन असिस्टेंट थी, उनका फोन आया कि आप आइए कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाइए। तो मैं गया, तब तक बालाजी हाउस अच्छी तरह से फ्लोरिंग हो चुकी थी, जिस फ्लोर पे हम, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में नहीं हुई थी, नीचे उनकी ऑफिस वगैरह सब अप टू डेट हो गया था। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो भी था, लेकिन मैंने उसमें लिखा कि विथ एडजस्टमेंट टू माई ड्रामा शोज डेट्स, तो वो साइन किया हुआ लेके गई और फिर वापस तुरंत आई, फिर कहा कि नहीं शोभा जी मना कर रहे हैं कि कोई किसी किस्म का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने कहा सॉरी ऐसा है, तो मेरा तो ड्रामा का कमिटमेंट है, और हमारे ड्रामा है ना गुजराती के, किसी भी दिन किसी भी वक्त पे होते हैं, सुबह 9 बजे का भी शो हो सकता है। और पहले तो वो जो लड़कियां व्रत रखती थी और पूरी रात रात जब, क्या जागरण हमारे गुजराती में कहते हैं, हिंदी में कुछ और कहते हैं, जागरण सर, ऐसा कुछ, जगराता। जगराता। तो हमारे नाटक के शो रात को 1 बजे भी होते थे, भाईदास में या और कहीं, जहां जहां गुजराती कम्युनिटी ऑडियंस आता है वहां। तो मैंने कहा ये कमिटमेंट मैं तोड़ नहीं सकता, एंड इट वाज अ सुपर हिट प्ले, एंड अदरवाइज ऑल्सो कभी सोचा नहीं था कि कोई नाटक के शो के लिए मना करेगा इस तरह से, क्योंकि काफी ऑर्गेनाइज रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी ये सीरियल। और मैंने घर जाके मेरे एक दोस्त को फोन किया जो एक जमाने में जी का हीरो हुआ करता था, जी की चैनल पे, उसने एक्टिंग छोड़ के कंप्यूटर का काम शुरू किया था, प्रतिम पारेख करके। तो मैंने कहा प्रतिम तेरे को, वो मेरे यहाँ कंप्यूटर सर्विसिंग के लिए आता था, तो कहता था कि यार मुनि अभी मेरे को दिल करता है सीरियल कर लूँ। मैंने कहा प्रतिम जा तू बालाजी हाउस, तुझे बोलना कि जेडी के रोल के लिए मुझे मुनि ने बोला। और 6:30 बजे उसका मुझे फोन आता है कि मुनि थैंक यू वेरी मच, आई हैव साइंड द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम डूइंग जेडी। तो मैंने कहा अरे यार क्या बात है, हाउ लकी यू आर। फिर रात को मैं जब शाम को रिहर्सल में गया, तो विपुल और राजेश जोशी जो हमारे राइटर डायरेक्टर थे ड्रामा के, उन्होंने बहुत गालियां दी, बहुत डांटा मुझे कि ऐसा क्यों, आप ऐसा, आप कौन होते हो, मना आपने बताया क्यों बालाजी हाउस को कि हम ड्रामा करने वाले हैं। मैंने कहा यार फिर बात को बाद में अगर तकलीफ हो उससे, मैं तो क्लैरिटी रखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे झूठ बोल के मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूंगा कभी भी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो सब हम देख लेंगे, आप कल वापस जाना, हमने बोला है कि ये रोल तो मुनि झा ही करेगा। मैंने कहा क्या बात है, आपकी तो बहुत मतलब ऊंची तोप हो आप लोग। तो मैं दूसरे दिन वापस गया और फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और फिर मैं, देन द हिस्ट्री यू नो, आई वाज रियली फॉर्चुनेट, थैंक्स टू बालाजी, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स राजेश एंड विपुल, कि मैं इतना अच्छा सक्सेसफुल शो कर पाया, एंड आई केम अक्रॉस सो मेनी नाइस गुड फ्रेंड्स फ्रॉम द सेम सीरियल। And we still remember your roles and your name is etched in our mind because I remember कुछ सास भी कई बहू थी, कभी 9 बजे करीब शायद आता था, हाँ और so I was very small kid at that time then, but we loved to watch that. There was Smriti वो, Irani was there and other cast were there. और 2000 की साल का मिलेनियम ईयर जो हम कहते थे, उसका 3 जुलाई का कुछ ग्रह का ऐसा होगा एडजस्टमेंट कि पूरी चैनल की एक लाइफ बदल गई। स्टार प्लस जो लोग, स्टार प्लस चैनल है, लेकिन उस रात ये हुआ कि 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ बच्चन जी के आशीर्वाद से,
और 9:30 बजे बालाजी के आशीर्वाद से शुरू हुआ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सो दोनों शोज इतने सुपर डुपर रहे एंड बहुत से यादगार हो गया। सर, तो फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, दिस फ्रॉम सॉरी, योर से मेरे दिमाग में भी आ रहा है कि किसके रिलेटेड? अगर इसी आपके टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि हाँ इफ सॉरी, मैं द बार 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 पसीना इसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ लोकेशन पे हूँ और फैन भी नहीं है, और अहमदाबाद में अभी 41 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आपके साथ बात करते करते अच्छा लग रहा है। सो डोंट माइंड मी वाइपिंग एवरी 2 मिनट्स। नो सर, इवन व्हेन यू आर वाइपिंग इट योर फेस इज शाइनिंग इवन ब्राइटर देन बिफोर, सो वी डोंट माइंड इट एट ऑल। गुड, थैंक। अगर एक क्वेश्चन है सर कि अगर नॉट टीवी और बॉलीवुड, इफ इट नॉट टीवी और बॉलीवुड देन व्हाट वुड बी द करियर ऑप्शन दैट यू वुड हैव ऑप्टेड इफ नॉट टीवी और बॉलीवुड? यस, मैं आज भी सोचता हूं कि थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाए, फाइनेंस का कुछ हो जाए, तो मैं एक छोटा सा अपना रेस्टोरेंट बना लूं। और इसलिए मैंने ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट होने के बाद एक ब्रीफ कोर्स होटल मैनेजमेंट का किया, और मुझे होटेलियर बनने का बहुत शौक था। लेकिन मेरे पापा जो एक लॉयर थे, तो उनका काफी केसेस की वजह से मुंबई की होटेलियर से मिलना जुलना, उठना बैठना होता था, तो वो जानते थे कि होटल बिजनेस में, तो वो मुझे कहते थे कि मुनी, होटेलियर बनना है तो ये नहीं कि तू जाके होटल के काउंटर पे बैठे और होटल बनाए, तू शेयर्स खरीद ले और तू मालिक बन सकता है। तो मुझे तो शेयर्स वेयर्स का कुछ आता, लेकिन उनका कहना था कि तू होटल खोलेगा तो तुझे अंडरवर्ल्ड के साथ, फिर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, फिर ऐसे किस्म के लोगों से नाता होगा कि मुझे नहीं लगता तू झेल पाएगा, तू वहां पर रह पाएगा। तो खैर, मैं नहीं कर पाया, लेकिन जब कुछ सालों का ये सफर रहा एक्टिंग का, तो मेरे नसीब से एक हुआ प्रोजेक्ट। लोखंडवाला में ही मैंने रेस्टोरेंट डाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर फायर हो गई, और अच्छा खासा चलता हुआ रेस्टोरेंट जो लोग पसंद भी करते थे, हमारे स्मृति मैडम के घर से तो ऑलमोस्ट वीक में 3 बार ऑर्डर आते थे कि ये फला कॉन्टिनेंटल भेजिए। इट वाज अ मल्टी क्यूजिन ईटिंग प्लेस कॉल्ड स्पाइस अप, लेकिन वो मेरा सपना खैर एक जिद की वजह से पूरा किया, लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ी। और फिर समझ गया कि भाई एक्टिंग ही एक मेरे लिए है जो ज्यादा रिस्क नहीं अभी लगेगा। सर यहाँ से एक बात तो समझ में आती है कि अगर कुछ मन करता है करने का तो इट इज वर्थ रिस्किंग, लाइक यू डोंट हैव रिग्रेट कि हाँ मैंने करा तो था एक बार टाइम पे दैट डिड वर्क आउट, तो वो बात अलग है। करेक्ट, वो मैं मानता हूं कि आपके सपने हैं, आपके जहन में ख्याल में है, तो उसे मन में नहीं रखना चाहिए, और जो भी उसके लिए मेहनत लगती है और सोच समझ के, ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी किसी को परेशानी में डाल के कुछ काम कर लो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए आपको अगर कुछ पसंद है। जैसे कि मुझे अभी होटल नहीं है, तो मैं घर पे थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके जैसा भी बनाओ, लोगों को, घर के लोगों को, या कोई दोस्त आया है या कोई रिश्तेदार आया है, तो खुश करने की कोशिश करता हूँ कि आप ये खाइए, मैंने बनाया है वगैरह वगैरह। वैसे मैं इतना अच्छा कुक भी नहीं हूँ, लेकिन सारी खैर चलता रहता है। बात हम किसी को बताएंगे नहीं। गुड। सर एक क्वेश्चन आ रहा है सर कि अगर कौन सा एक पर्टिकुलर रोल है, लाइक यू हैव प्लेड अ लॉट ऑफ रोल, पॉजिटिव, नेगेटिव, सीरियस, कॉमेडी, तो ऐसा कौन सा रोल है कि आपको अभी भी मन करता है कि ऐसा रोल कुछ मिल जाता तो आई वुड हैव प्लेड दैट, आई वुड हैव पोर्ट्रेट दैट ऑन द स्क्रीन एंड वुड हैव प्लस जान डाल देता रोल में। मेरे नसीब से थिएटर, जो जिसमें मैं धीरे धीरे समझा सीखा, ऐसा नहीं कि थिएटर सीखेंगे तो कैमरे के सामने आप बढ़िया ही हो जाएंगे। कैमरा का एक अलग गणित है,
एक लोग कहते हैं कि अरे थिएटर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, कैमरा वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जो हर कोई के बस की बात नहीं है, जो मैं अभी समझ रहा हूँ टेक्निकली। तो मुझे इस तरह से सिखाया गया है कि एक कलाकार ना एक पानी या मोम की तरह होना चाहिए, कि जिसी ढांचे में डाला उसमें ढल जाना चाहिए। तो ऐसी तो कोई खास ऐसा ये रोल मैं करूं या वो करूं, जो भी मिला है मैंने किया है, बड़ा छोटा जो भी है। बट एक मेरे मन में रहता है कि मुझे देखने वाला जो भी हो, मैं खलनायक हूं या हीरो हूं या फादर हूं या अंकल हूं या भिखारी हूं, जो भी हूं, मुझे पसंद करे, वो उनको बस जाए कि यार ये जो भी है, जो उसके कैरेक्टर में रह के अच्छा किया है, बस उतना मिले तो काफी है मेरे लिए। वही सोच के मैं हर काम को एक्सेप्ट करता हूँ और करता हूँ। बाकी कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे गब्बर सिंह का रोल मिले या नहीं, जो आया नसीब में उसे पूरी सिंसियरिटी के साथ कर लो, बाकी तो जो होगा नसीब में होगा। What a beautiful answer, sir. It was really inspiring. थैंक यू गौरव। So, moving ahead, sir. So today we all know that we have this tribute event for one of our lost gem of Bollywood, none other than Sushant Singh Rajput. So on this first year anniversary, death anniversary of Sushant Singh Rajput, we all know he was a teacher, and if you know better, we know that he was an astrophysicist. And did you have any interesting conversation with him about life, philosophy, or any something of that sort that you want to share with us, sir? एक इतनी अच्छी छवि है मेरे मन में सुशांत की, और बहुत दुखी हुआ मैं जब उस ये आज ही के दिन पिछले साल जब सवेरे मैं ऐसे, एक तो लॉकडाउन का टाइम था, काफी मायूसी थी आजू बाजू सब जगह, लोग चिंता में थे, परेशान थे, और ऐसे में ये सब न्यूज़ मैं पहले तो यकीन ही नहीं कर पाया, और बाद में तो काफी सारी स्टोरीज आई तो और भी ज्यादा दुख हुआ। मैं बहुत उस वक्त में काफी डरा हुआ रहा, मुझे लगा कि हम लोग कितने इनसिक्योर एटमॉस्फियर में पूरी फैमिली के साथ पूरा हमारा समाज जी रहा है, कि इस तरह से दिन दहाड़े एक जो भी हो उसकी जो स्टोरीज सब आई कि वो सुसाइड है या हत्या है, बहुत दुख हुआ कि, और इस पे चर्चा ही चर्चा, बातें ही बातें, कुछ अभी तक नतीजा नहीं आया। खैर, आपका प्रश्न ये है कि यादगार पल उनके साथ, तो इस वक्त मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, जब भी मैंने ये वेब सीरीज जो मैं यहाँ पर शेमारू के लिए कर रहा हूँ गुजराती में, तो उसी लोकेशन पे, मतलब इसी एरिया में दूसरा एक घर है जहां पर हम कायपोछे का हमारा घर था, मैं सुशांत और अमृता पुरी दोनों के फादर का रोल कर रहा था, जगदीश जोशी करके कैरेक्टर, और हम लोग को घर घर एक बहुत ही अच्छी हेरिटेज प्रॉपर्टी है यहाँ के अहमदाबाद के एक बड़े नामी बिजनेसमैन की है, और उसके सामने एक दूसरे गुजराती परिवार है जो खुद एक देसाई या ब्राह्मण परिवार है, उन्होंने घर दिया था हम सबको रहने के लिए पहले माले का, जहां पर छोटी सी टेरेस भी थी और बाथरूम भी था बाहर, और वो रूम एसी था, तो दो ऐसे बेड थे और टेबल, मिरर, मेकअप, रेस्ट करना हो जो भी है वहां पर ही था, और ये हम पांचों वहां पर रहते थे, और ज्यादातर जब भी टाइम मिलता था गुड्डू यानी अभिषेक कपूर भी अपना वक्त निकाल के आ जाते थे, और मैं इतना कन्वर्सेशन में पार्ट नहीं लेता था, क्योंकि ये चारों जो है, अमृता, राजकुमार, अपना सुशांत एंड द अदर स्टार, ये लोग इतनी बातें करते थे, और सुशांत के पास स्पोर्ट्स से लेके डांस वगैरह और फिटनेस
काफी बातें थी, वो लोग थ्रू आउट उनका कुछ चलता रहता था. एंड सेकंड थिंग, दे वर ऑलवेज बिजी विथ गुड फूड. दे वर ऑलवेज ईटिंग एंड ऑर्डरिंग समथिंग. सो आई हैव एंजॉयड वॉचिंग देम रादर देन रियली बींग पार्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशन, क्योंकि उनके जैसी कुछ अंग्रेजी भी मुझे नहीं आती थी, और आती थी तो मैं कॉम्प्लेक्स में रहता था कि मैं क्या बात कर पाऊंगा इनसे. तो लेकिन यस, वी हैड गुड फन शूटिंग देयर एंड ईटिंग ऑफ कोर्स एज आई सेड. और मैं ज्यादातर अपना आई यूज टू कवर अप विथ माई स्लीप बिकॉज इट वॉज अ नाइस कूल रूम ड्यूरिंग दैट सीजन. सो एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक सीन है जिसमें वो मेरी बेटी को, उसकी बहन अमृता को कुछ परेशान कर रहा है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो मुझे जाके उसे एक चाटा देना है. मैं पूछने वाला था सर. हाँ, तो मैंने कहा अरे बाप रे, ये हम लोग ने थिएटर में ये सब टेक्निक यूज की है जिसमें आप हकीकत में मारते नहीं हो. लेकिन सुशांत ने कहा नहीं, आप मारो बिंदास, कोई चिंता मत करो. और कमरा वैसे इतना छोटा था, घर ऐसे बड़ा था लेकिन चौड़ाई में नहीं था, तो मैं 4 कदम चलू तो उसको जाके मैं लगा सकता हूँ. और अभिषेक ने समझाया कि ऐसे ऐसे शॉट है. और यू वोंट बिलीव, रोल हुआ, एक्शन हुआ और मैंने जाके लगाया. एंड परफेक्ट, इट साउंड सो वेल और बहुत सही हुआ. देन द कैमरा वॉज टू पैन ऑन बोथ ऑफ देम, द ब्रदर सिस्टर, एंड आई वॉज देन नॉट इन द फ्रेम. लेकिन वो पैनिंग के वक्त इतना बढ़िया चाटा लगा था ना कि अमृता हंसने लगी, ऐसे स्मर्क स्माइल आने लगी. तो उन्होंने सीन तो कट कर दिया, लेकिन कहा कि नहीं, ये आपने स्माइल दिया ना, तो अभी दोबारा करना पड़ेगा. और तो मैंने कहा इट वाज ओके शॉट, परफेक्ट फ्रॉम माय साइड, इवन सुशांत्स रिएक्शन एवरीथिंग, बट दिस गर्ल कुड नॉट स्टॉप स्माइलिंग लाफिंग व्हाटएवर यू से. तो अभी रीटेक हुआ, अभी रीटेक में मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया, या कुछ ना कुछ छोटा मोटा होता है ना, कैमरा की गलती हुई, कैमरा मूव हो रहा है उसमें हुआ, या लाइटिंग का. एंड वी टुक 17 और सो टेक्स, एंड एवरी टाइम आई हैड टू स्लैप हिम. सो नो, बट इट वाज अ वेरी लाइट वन, नो डाउट, बट दैट वाज वन ऑफ सच इंसिडेंट्स आई विल नेवर फॉरगेट विद सुशांत. एंड I'm sure wherever he is there in the stars and heavens. वो अभी हमारी बातें सुन के सोच रहे हैं, हाँ सर ने मेरे को मारा था. नहीं भाई, कभी नहीं. Oh God. Sir, so moving ahead, as you know, Collective In also works for mental health development and in the field of women empowerment. So, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके लिए सर, कि मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले इन वंस लाइफ एंड प्रोवाइडेड द पैंडेमिक हैड इट्स ओन स्टोरी एंड स्टिल रोलिंग, आपको क्या लगता है कि अभी हमारे मेंटल स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है पैंडेमिक का, एंड हाउ कैन वी कोप अप, बिकॉज इट्स रियली वाइज टू हियर फ्रॉम समवन हु हैज बीन थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड हैज सो मच ऑफ एक्सपीरियंस एंड विजडम. नहीं, मेरे जैसे बहुत से हमारे देश में, पूरे विश्व में है लोग जिन्होंने इस किस्म का ये फेज, उसके बगैर का फेज झेला है, देखा है, जिया है. मेंटल एंड व्हिच अदर हेल्थ यू सेड? मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, दैट इज टू डिफरेंट विंग्स ऑफ कलेक्टिव इन सर. देखिए, हम हमारा जो इंडियन लोग, इंडियन हमारे लोगों का जो रहन सहन है वो वैसे भी काफी अच्छा रहा है पास्ट में भी, और ये पैंडेमिक के दौरान जो कोई अगर केयरलेस था वो भी समझ गया है कि भाई कितना अनिवार्य है स्वच्छ रहना, हेल्दी रहना. तो ये अवेयरनेस काफी हद तक बढ़ चुकी है, खाने के बारे में, रहन सहन के बारे में, सोशलाइजिंग के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में. तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइड तो है ही,
इस पेंडेमिक दौर की। और नेगेटिव में ये है कि एक ऐसी बीमारी घुस गई है जिन्होंने सबको हिला के रख दिया है, पूरे विश्व को, लोगों को थोड़ा डरा दिया है। फिर भी मैं बहुत बड़ी क्रेडिट दूंगा हमारे समाज को, समाज के लोगों को, जिन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ी हिम्मत से काम लिया है और ये सब झेला है, अभी भी फाइट कर रहे हैं। हमारे मेडिकल सर्विसेज में जितने भी है उन्होंने भी अपना रोल अच्छी तरह से अदा किया है और मुझे गर्व होता है हमारे लोगों के लिए कि ये हिम्मत जुटा पाए एंड दे आर स्टिल रेडी टू फाइट एंड फेस। एक लाइफ को आगे बढ़ाने की जो शक्ति है सब में इकट्ठा रहकर या इंडिविजुअली भी, वो बहुत कमाल की है। और ईश्वर सभी को इस तरह की ताकत दे जो इसे फेस करके आगे का आने वाला समाज दिन और भी बढ़िया हो, और भी सब स्वस्थ रहे, और जो एक भाईचारा डेवलप हो रहा है वो इसी तरह बरकरार रहे, वो एक बहुत अच्छी बात है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि सबको इसी तरह स्वस्थ और स्ट्रांग बनाए। Sure, sir. We'll surely take this lesson and advice from your end because pandemic ने हमारे दिमाग में हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट करा है पिछले 1.5-2 सालों में, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कब चीजें नॉर्मल हो एंड वी कैन लीड द लाइफ। इट्स रियली इंपॉर्टेंट हाउ वी कम आउट ऑफ इट देन हाउ वी एंटर इट, एंड वी हैव रियली लर्नड अ लॉट ऑफ लेसन फ्रॉम दिस पैंडमिक। एक मैं खास शेयर करूंगा आपके साथ, मैं शाम को ना, अभी ज्यादा तो ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कुछ होता नहीं है, घर पे रखा है थोड़ा बहुत, मैं वॉक करने ही जाता हूँ सिर्फ। और हमारे यहाँ नया गार्डन हुआ है तो वॉक के लिए, गार्डन में वॉक तो करते हैं लेकिन बच्चे इतने सारे, और पब्लिक गार्डन है तो सब लोग आएंगे, सबके लिए ओपन है। तो मैं कभी कभी इरिटेट हो जाता था कि यार ये कितना ये शोर शराबा है, ये पार्क में बच्चे कितने शरारती है, मस्ती, ये भाग दौड़ चिल्लाना। लेकिन अभी 1.5 साल से देख रहा हूं, पहले तो पार्क बंद रहा, अभी जो पाबंदी है और अभी जो खौफ है, तो वो बच्चे बिना खेले दौड़े मिले कैसे रहते होंगे, आसपास के एरिया के ही है सब। तो मुझे उन बच्चों के लिए बहुत दुख होता है। हम बड़े तो थोड़ा बहुत समझते हैं कि चलो ये टाइम है, लेकिन बच्चों को कैसे समझाए कि, लेकिन वो भी समझ के रहे, वो इतनी बड़ी बात है कि आने वाला जो जनरेशन है वो वाकई, मुझे लगता है इस वक्त जो है जनरेशन उससे भी बहुत ही एडवांस होगा और समझदार वाकई होगा जो ये सब कोऑपरेट करके ग्रो हो रहा है। श्योर सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स की तरफ से है आपके लिए सर, कि यू आर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू हैव सीन द चैलेंजेस दैट द न्यू आर्टिस्ट आर फेसिंग, सो डू यू हैव एनी अपकमिंग आर्टिस्ट, डू यू सी एनी अपकमिंग आर्टिस्ट दैट हैव गॉट योर अटेंशन एंड यू आइडेंटिफाई हिम दैट यार इसके अंदर पोटेंशियल है कि बहुत आगे जाएगा, ही विल बी अ स्टार समडे, एनी आर्टिस्ट लाइक? यस, मैं ऐसे पर्टिकुलरली नाम नहीं याद कर पाऊंगा एकदम से, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि यार मस्त बढ़िया किया, कौन है ये, पूछ लेते, अरे यार ये तो जो भी है रोल या डायलॉग या सिचुएशन, और उसको अगर जाके वो स्टार बनेगा ऐसा प्रिडिक्शन करना या कुछ भी, लेकिन यार ये बंदा या ये लड़की या बंदी जो भी है, शी इज और ही इज रियली गुड एट हिज वर्क, वो कई बार देखा है। और मैं हो सकता है बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाता हूँ अब यंगर जनरेशन से, और क्योंकि मुझे याद है उनकी उम्र का जब मैं था इस इंडस्ट्री में तो मुझ में इतनी अकल नहीं थी, मैं इतना स्मार्ट नहीं था और अभी भी नहीं हूं, मैं थोड़ा थोड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं अभी
आपको मैंने शायद हम लोग जी कनेक्टिविटी कर रहे थे तभी मैंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं आता सिवा के व्हाट्सअप कर लो या फोटो निकाल लो, लेकिन यहाँ मेरा मेरे भांजे का रोल कर रहा है, अहमदाबाद का ही आर्टिस्ट है जिसने एक बहुत ही सक्सेसफुल वेब सीरीज की है अभी, तो काफी पॉपुलर है, उसके फॉलोअर्स अराउंड 6-8 थाउजेंड है। तो वो 9 साल का बच्चा है, इसकी वजह से हम कनेक्ट हो पाए, क्योंकि मुझे ये ब्रॉडकास्ट वगैरह, हालांकि मैंने 2-4 ऐसे इंटरव्यूज किए हैं पिछले ये पेंडेमिक टाइम में, लेकिन फिर भी टेक्निकली मैं 0 हूँ। तो ही इज रियली गुड एक्टर और अच्छा फ्यूचर है उसका, मुझे लगता है विशाल का। श्योर सर, समडे विल गेट अ चांस टू इंटरव्यू विशाल एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मुनीश सर दैट या मुनीश सर वाज टॉकिंग अबाउट टू एंड ऑल लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट हिम हाउ वाज ही एज अ पर्सन हाउ हाउ वर हिज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम समडे सर ऑल माय बेस्ट विशेस टू हिम। एंड यू विल बी ऑन द अदर साइड इन द ऑडियंस लिसनिंग टू मी अरे ये मैंने बोला था मैं इसको तो आप सबकी दुआ से मैं तो ऑडियंस में ऑफ कोर्स बैठूंगा जो भी अच्छा प्रोग्राम होगा देखने, लेकिन प्रिफर करूंगा कि काम ही करूं और इसी तरह आप जैसे लोगों से मिलूं, बिल्कुल सर हम भी ट्रैवलिंग सर आप करूं। स्क्रीन पे ही देखना चाहते हैं हमेशा इसी तरह सदा बाहर सो मूविंग अहेड सर वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू योर पर्सनल क्वेश्चन व्हाट आर योर प्लान्स अहेड मे बी या 1 ईयर प्लान और सो आगे के क्या आप प्लान्स हैं आपके अभी सर आफ्टर दिस ड्रामा सीरीज एंड एवरीथिंग प्लान मुझे फार्मिंग का एक दूसरा एक शौक है, तो शायद उस डायरेक्शन में मैं कुछ कर पाऊं, क्योंकि काफी कुछ फैक्टर्स हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अच्छी तरह से कर पाए हैं, उसके अलावा मुझे थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग का मन करता है कि मेरी सिस्टर है यूएसए में, तो उसे मैं बहुत सालों से, उन्होंने अच्छा खासा घर बनाया है तो गया नहीं, मुझे जी करता है मैं जाके सिस्टर और जीजाजी के साथ रहूं। और मेरे काफी दूसरे मेरी कजिन्स वगैरह भी है, रिश्तेदार है अब्रॉड, मेरे एक अच्छे दोस्त है शशि करके जो हमारे साथ स्कूल टाइम में थे, लेकिन ही इज नाउ इन लंडन, तो उनका भी इनविटेशन है, तो ये थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी तो सब रुका पड़ा है, तो आई विश कि सब ठीक हो जाए और बाकी तो बस अपने परिवार के साथ सब रहे और अपनी इंडस्ट्री के साथ रहे, और कुछ ऐसा खास नहीं है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर फॉर यू एनी व्हाई एडवाइस फॉर द लास्ट, यंग व्हाई यू कॉल इट लास्ट, आई वांट टू टॉक मोर। श्योर सर श्योर लेट्स कंटिन्यू आफ्टर दैट सर एनी एडवाइस पीस ऑफ एडवाइस फॉर द स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट एंड द पर्सन हु आर ड्रीमिंग ऑफ गेटिंग देयर करियर इन बॉलीवुड और हॉलीवुड और द टीवी इंडस्ट्री और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट एनी एडवाइस फॉर देम सर नहीं वाकई मैं वो लेवल पे नहीं हूं कि किसी को एडवाइस करूं, सर लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि किसी भी हालात में आप अपने गोल के लिए शेकी मत हो जाइए, और आज का जनरेशन तो जैसे मैंने कहा कि मुझसे ज्यादा समझदार है, मैं उनकी उम्र में इतना नहीं था, अभी की उम्र में भी नहीं हूँ, और काफी लोगों को खास करके हमारे थिएटर के लोगों को बहुत ये सहना पड़ा है, क्योंकि थिएटर एक्टिविटी बुरी तरह से बंद है, रिस्ट्रिक्टेड है, और जरूरी भी है कि ग्रुप एक्टिविटी आप पब्लिक को जमा नहीं कर सकते, तो उम्मीद करते हैं वो जल्द से जल्द शुरू हो, और ऐसे टाइम में एक अपने आप को स्वस्थ और खुश रखने का एक आप खुद ही एक माध्यम क्रिएट कीजिए कि संगीत से या पढ़ाई से या वॉचिंग से या जो भी आपको, क्योंकि वक्त तो आपको निकालना ही है, तो मायूस हुए बगैर
डिसअपॉइंट हुए बगैर एक अच्छी तरह से ये पेंडेमिक वाला जो भी है वक्त निकाल दे। और मुझे लगता है एक एक्टर के लिए एक्टिंग के साथ साथ वेटिंग एक बहुत बड़ी कला है। वेटिंग करना आपको, क्योंकि आपको कब रोल मिलेगा, कब आप अपनी अदाकारी पेश कर पाओगे वो आप नहीं जानते, तो वो जो टाइम है उसमें आप मेंटली फिजिकली अच्छे रहोगे, तो जब वक्त आएगा तो आप और भी अच्छे तरह से निखर कर बाहर आओगे। Sure, sir, sure. So exactly, these are the words that a struggling actor, a person who's dreaming of doing something good in his life, patience, hard work, and again, persistence is something that we should follow. And yeah, that's the advice from our very veteran actor and a very amazing artist from our Bollywood industry, Mr. Munija. So ladies and gentlemen, that was Mr. Munija for you. Thank you, sir, for your time. It was great talking to you and listening to all these experiences that you had and all the fun stories that you told us. We'll always cherish this meeting forever, sir. So, thank you, with a note, and thank you, Sia. I can hear you. So, with a note, sir, let your dreams speak the unspoken. Let your eyes see the unseen. Let your aura shine. Be the you you have always dreamt of. I, Gaurav Pandey, bid you adieu for the 8 p.m. show of poetry section. Thank you, everyone. Love you. Thank you.